से हम नाजमन बात की रही हूँ। उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, क्योंकि आप लोगों को जैसे कि पता है कि के इलेक्ट्रिक जो है वो बहुत ही बुरा हाल है के इलेक्ट्रिक का, और मुसलसल जो है वो लाइट जा रही है। कल भी जो है वो काफ़ी जगह जो है वो सुबह से लाइट गई हुई थी और शाम में आई, तो मतलब ये हाल है के इलेक्ट्रिक का। तो के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने आए, और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग भी हमें इस वक्त देख रहे हैं तो प्रेस क्लब के बाहर हमारे साथ दें और इस मुजाहरे में शरीक हों। शुक्रिया। इतनी ज़्यादा गर्मी में एहतजाज करने की बेसिक वजह ये है कि ये ओवर बिलिंग और हद से ज़्यादा लाइट जा रही है, हद से ज़्यादा लाइट जा रही है, चार चार घंटों के लिए, दो दो घंटों के लिए। ऊपर से कोई टाइम टेबल नहीं है, सुबह का वक्त हो, रात का वक्त हो, किसी वक्त भी हो। ज़ाहरी बात है आपको इस हकाम वाले से पुरजोर गुजारिश है, अपील कि खुदा रहा कराची वालों पर रहम करें और ये ओवर बिलिंग और ये जो लाइट्स बहुत ज़्यादा जा रही है इस पर करम करें। थैंक यू। 4 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और आपको पता है कि आवाम कितनी ज़्यादा परेशान है, लोगों की नौकरियां नहीं है, काम नहीं, लेकिन उसके बावजूद इतने इतने बिल आ रहे हैं, ओवर बिलिंग हो रही है लाइट जाने के बावजूद, ये एक जुल्म है। मकान वालों को मैं गुजारिश करती हूँ सिंध गवर्नमेंट से कि इलेक्ट्रिक को बिल्कुल भी डिसमिस करना चाहिए, इसको रिप्लेस कर देना चाहिए के इलेक्ट्रिक को, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने लोगों का, आवाम का जीना मुहाल कर रखा है। अनिका शेख, फ़खरे पाकिस्तान की जानिब से। हम यहाँ सब एहतजाज करने आए हैं इसलिए क्योंकि ओवर बिलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, के इलेक्ट्रिक का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आवाम हुकूमत ने कहा है कि घरों में रहें। जब तक बंदा घरों में कैसे रहेगा जब हमारे को बिजली प्रोवाइड नहीं होगी? लोग घरों से तो निकलेंगे ना, कोरोना के केसेस भी बढ़ेंगे। अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो इसकी जिम्मेदार फिर की इलेक्ट्रिक होगी, क्योंकि यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब बिजली से परेशान आके खड़े हैं। के इलेक्ट्रिक वालों ने जो है सिर्फ कराची पे जो है इतना जुल्म ढाया हुआ है, जो है कराची की जो है ज़बरदस्ती जान कर जो है इन्होंने हमारे साथ लोड शेडिंग इतनी की हुई है, तो ये जैसे एक हम ही आवाम है जो है हम इनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, तो बस हम पे ये जुल्म ख़त्म करें और ये के इलेक्ट्रिक वालों को जो है बस इनको बंद करवाएं। मतलब ये हमसे जो है लोड शेडिंग जो इतनी करके रखी हुई ना उन्होंने, तो ये बाकी जैसे सियासी पार्टी कोई एक्शन नहीं ले रही, तो हम आवाम है जो हम जो है खड़े होकर रोडों पर आएंगे और अपना अपने कराची के लिए आवाज़ उठाएँ। देखने यहाँ पे सब के इलेक्ट्रिक के एहतजाज के लिए आए हुए हैं, क्योंकि अगर इतनी आवाम इतनी काबिलियत हो तो बाकियों को भी निकलना चाहिए। अगर वाकई उनको लग रहा है कि घरों में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उनको इतनी तंगी हो रही तो निकलें भाई घरों से। हमारी फ़र्ज़ नहीं है कि हम आप लोग की बात को आगे बढ़ाएं, लिहाजा अपने घरों से निकलें, अपने हक के लिए लड़ें। के इलेक्ट्रिक ना मंजूर, के इलेक्ट्रिक ना मंजूर।